इस वक्त फिलहाल हम लोग हैं अपने रूम में और आज हमने जाना है ट्रैकिंग, तो इसको हम बोलते हैं डे टू। तो रूम का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अंदर का कैसे हो रखा है। एंड आई होप सो कि आप लोग को वो फर्स्ट पार्ट देख के मजा आया होगा। कुछ रूम का है थोड़ा मैसी सा हो रखा है, ठीक है। और इधर एसी वगैरह है, टीवी है, यहाँ पे अलमीरा है। पर मेन चीज देखो, ऊपर देखो, इसका डिजाइन देखो आप। पहले सारा वुडन फिनिश्ड हो रखा है। फेस वॉश नहीं है भाई मेरे पे, मेरे को भी चाहिए। ये यहाँ का व्यू है, ये यहाँ से व्यू बता रहा हूँ आपको गाइस, मैं देख रहे हो। इसको मैं खोलता हूँ अगर, हम नीचे वाले पे रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये व्यूज है गाइस यहाँ से सुबह उठते ही। ये देखो भाई साहब, बारिश पड़ी है सुबह सुबह गाइस यहाँ पे। अभी हम सोच रहे हैं कि वहां से, अभी हम यहाँ से चालू करेंगे ट्रैक, मतलब इधर से निकलेंगे ऐसे जैसे चलते चलते। तो ये दिख रहा है आपको ऐसे जाता हुआ, तो हमने यहाँ से ऐसे निकलना ऊपर पहाड़ की तरफ वहाँ पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे लेक के पास आए हैं, लेक आप देख सकते हो, वो देखो पूरी लेक है, ठीक है। यहाँ पर पार्किंग वाला एरिया सारा, और इसके साथ पीछे सारा घूमने का है, ये रिजॉर्ट है पीछे मेरे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ये देखो, वो देखो सुपर बोट जा रही है वहाँ पे ऐसे। पर लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि यार इसका ना मजा जल्दी खत्म हो जाता है। हमें चाहिए जो पैडल वाली होती ना, उसमें एक अलग फैमिली ट्रिप अच्छा मजा अच्छा आता है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर चलते हैं ब्रिज पे, आगे देखते हैं। और गाइस वेदर यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड है, क्योंकि लेक है ना इस करके। मनु कहाँ गई पता नहीं, मनु देखिए कितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। वो पैडल वाली आप देख सकते हैं, शायद हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनली मन तो ये करने का है। हमको अपने साथ ही नहीं मिल रहे, जीजू वगैरह कहाँ हैं? क्या बताएं, आंखें नहीं खुल रही धूप के अंदर। चश्मा का इधर मैंने डाल रखा है पाजी, लाइफ जैकेट ला लो। नहीं, लाइफ जैकेट तो यही डाल के देंगे खुद। हमारी ये वाली शिप है जिस पे हमें चढ़ना है, ये नीचे कुछ ऐसा एरिया। आ जा गाइस इधर आ जा, तू भी तो वीडियो बनाता है, तेरा कौन सा चैनल है? इसका भी चैनल बता दो कौन सा है। रास्ते में आते ब्लॉगिंग कर रहा था मेरी, ठीक है। ये आपने खुद बनी है? देखे उसमें भाई ने नहीं बांध के दी भाई, तुम रिस्क क्यों लेते हो? भाई से बनवाऊ ना। अरे वो कह रहे उधर ही है जैकेट है, चलो चलो चलो। अरे जो जिसको मिल रही हो लेता हो। रुको गाइस अभी फिर जैकेट डाल के आएंगे। गाइस इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया, पहले कहा जैकेट वहां मिलेगी, अब हमें जैकेट के लिए वापस जाना पड़ेगा। बोलो एक मेरे लिए भी उठा ले, अभी सबको जैकेट डालेंगे। रुको पहले मेरे को डाल ले। ये टाइट करवा लो पहले भाई, भी टाइट कर दो क्या। रिपेयर कितनी है इसकी, कितनी गहराई है? वो उल्टा डाल रही है मनु, उल्टा के डाल रही है मनु। इसकी कितनी गहराई है? 80 फीट। 80 फीट है मनु। जब हम लोग 60 फुट, हम डलौजी में 7.5 फुट 7.5 सौ चले गए थे नीचे। आ जाए तो फिर भी ठीक है, आ जा। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं अपनी बोटिंग पे। बना तो रही है इधर यार, देख तो लो। सोचो जीजू आपको यहाँ एक दारू का ग्लास मिल जाए बस, इधर मजा आ जाएगा मजा। अरे एक तरफ रहो सारे, बैलेंस वो का मत करो। अच्छा वो है, ये वो है। अरे वो खींच रही है उसे भाई, मजेदार ये गलत चीज है। कैसा एक्सपीरियंस था भाई लोगों? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यहाँ। भाई थोड़ा एक्सपीरियंस भाई, तो मेरी वाली टीचर मत बता पाल भाई, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होता ठीक है। और ऐसे जाएंगे जेट स्कीइंग करने, अभी जेट स्कीइंग लोग वगैरह कर रहे थे तो अच्छी लग रही थी वो काफी ज्यादा। तो मेरी वीडियो बनाएगा थोड़ा यूट्यूबर करणदीप सिंह। श्योर भाई, पक्का मौसम में फर्क पड़ रहा है थोड़ा ठीक है।
यार वो बबल वाले ही करना है जो मर्जी हो भाई, उसके अलग उसके अलग मजे हैं बबल वाले के भाई। वो जैसे प्लेन में आप बैठते हो, प्लेन उड़ता है तो पीछे जो झटका पड़ता है ना, तो वही सेम सीन है। इधर आओ बच्चे, गाइस शूज उतार लिए, तो ये हमारी दोनों दीदियां जा रही है। सो गाइस मैं आपका कैमरामैन ट्रैवल करेगा, इस पे जेट स्किन करूंगा। तू वैसे भी रिस्क डेयरिंग है, मैं कर लूंगा, दे जा। अरे दी ना। नहीं नहीं जा, पकड़ कर रिलैक्स नहीं तो बेस्ट होगा गाइस, शादी कर लेना। नहीं पहले से छोड़ दो, ये पहले डर रहे थे करने से तो, पर लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस है यार, करना चाहिए। जो इतनी दूर जब तुम आए हो तो करना चाहिए भाई, ये एक्सपीरियंस है। भैया दो और करेंगे ठीक है, अब वो जैसे हैवी वेट वाले हैं तो कोने कोने में बिठा देंगे, बीच में नहीं बैठेंगे, है ना? ठीक है, ये ठीक है। उसमें अरे वो है, डरने का कुछ है नहीं उसमें, अब मैं कर रहा बिल्कुल वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कुछ, बस देखने के लिए कर रहे हैं लोग। वो स्किट होता है तो लगता है ऐसा बिल्कुल फील नहीं। अरे जीजू हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। ओ यार तो ये ब्लॉक करेगा, करूंगा ये भाई, कैप्चर करना मेरे को। जीजू आराम से एंजॉय करना, ओए रस्सी रस्सी दे, रस्सी पकड़ के देखियो भाई, ये एंजॉय। जीजू इजी इजी, टेक इट इजी, बस हां भाई ऐसे बैठ जाओ रिलैक्स होके, रख के वापस लेके आना, वापस लेके आना। जीजू तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, पढ़ना भाई, रब्बा पढ़ना। अभी सारी एक्टिविटीज वगैरह कर ली हैं तो एक मेरी वो रह गई थी जो मोटर वाली होती है, वो भी अब ट्राई करेंगे। पहले दीदी जाएगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। जपाल तेरा क्या एक्सपीरियंस था बेटे उसका? एपिक एक्सपीरियंस, एडवेंचरस। मेरी तो अब ये वाला ज्यादा मजेदार था इसमें। अब वेट कर रहा हूँ कब मेरी टर्न आएगी और मैं एक ट्राई करूंगा इसको। कितने टाइम से यहाँ पे हो? मैं तो यहीं जन्म से ही इधर ही हूँ। जन्म से ही है? कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? बहुत बढ़िया भैया, आप आओगे एंजॉय करोगे, फुल एंजॉय करोगे। तो जरूर आप भी विजिट करिए भैया, आपको लोकेशन हम जाते हैं टिक्करताल है, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स पे आइए गाइस। मेन लोकेशन टिक्करताल की ही डालना है आपने, मोरनी की डालोगे तो आप ऊपर जाओगे, पहले 9-10 किलोमीटर ऐसे आप सीधा टिक्करताल की डाल लेना, आप टिक्करताल ही पहुँच जाओगे सीधा। ठीक है, हो चुका है खत्म क्योंकि अब हमें लग रही है भूख, तो हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट पे, और रिजॉर्ट पे जाके हमने अपना चिकन वगैरह बोल रखा है, चिकन खाएंगे। हवा कितनी बहुत औसम हवा चल रही है, ठीक है। बाकी पहाड़ों में यार आपको पता है वेदर मिनट में चेंज होता है, मिनट में। हाँ दो दो दो, आओ कहाँ से दूँ, इधर आओ ना, इधर पीछे चश्मा डालो और इधर आओ, मैं आपको व्यू। तो अभी हमारी आज की ट्रिप सब कुछ ख़त्म हो गई है, तो हम घर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:30 बज गए, 10 बजे हमारा चेकआउट है यहाँ से। और गाइस बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा, हमने क्या एंटरटेनमेंट, क्या मस्तियाँ करी गाइस, मज़ा आ गया बहुत। मतलब कहते हैं ना कि रिलैक्सिंग रिफ्रेशिंग मूड हो जाता है एकदम, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता वो चीज़ें, ठीक है। पहाड़ों में आके ना एक अलग सी फीलिंग होती है ना, जो वो चीज़ महसूस होती है पॉजिटिविटी। मैं तो कहता हूँ जितना आप नेचर के पास जुड़ पाओगे ना उतना जुड़ो। रात को एकदम पानी की आवाज़ें आती हैं, सुबह उठो बर्ड्स चैंटिंग करती हैं, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। अभी हमने खाया अपना ब्रेकफास्ट, आलू के परौंठे और साथ में कुछ टोस्ट वगैरह खा लिए थे पनीर के। अभी जस्ट निकलना है यहाँ से, हमने गुरुद्वारे मठा टेकना है, ठीक है। वहाँ से फिर आज प्रॉबेबली अभी 10 बजे निकलेंगे तो घर पहुँच जाएंगे 4-5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। बाकी आपको मैं यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ, वो आपको बताएगा कि लोकेशन कौन सी है ये। और गाइस सच्ची में विजिट करना है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है, ठीक है। फैमिली के साथ विजिट करना, फ्रेंड्स के साथ विजिट करना, या कुछ पार्टी वगैरह करनी है तो विजिट करना, पर लेकिन करना ज़रूर। ये हरियाणा में मोरनी हिल्स है, ठीक है, मोरनी हिल्स, नाम जो आंसर सुन लेना, मोरनी हिल्स। लोकेशन आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, और मैं आपको भैया से बात करवाता हूँ सीधा, वो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देंगे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बढ़िया भैया बढ़िया, यहाँ पे हम लोग आपके यहाँ पर 3 दिन विजिट करें और अपनापन सा लगे बहुत अच्छा, मतलब कि आप पीछे देख सकते हो गाइस, वादियाँ भी देख सकते हो। तो भैया एक बारी कुछ ये लोकेशन वगैरह एक बारी बता दो, कहाँ पे अगर आना हो तो आ सकते हैं। ये है
मैं तो पर्टिकुलर मोरनी हिल्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये हरियाणा के, आपका थोड़ा सा आगे सिरमौर लग जाता है, नाहन का एरिया पास में लग जाता है, और ये वाला जो हमारा जो ये बना हुआ है ये टोटली पूरा पाइन फॉरेस्ट एरिया में है, जिसमें आप देख ही पा रहे हैं ये छोटे से ब्रिज के ऊपर प्रॉपर्टी है जिसमें थ्री साइड पूरा गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के। अगर वीडियो देख के मज़ा आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलाता रहूँगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड्स में, एपिसोड नहीं वीडियो में, क्योंकि यहाँ का एपिसोड अब खत्म हो गया, और क्योंकि दो दिन का ट्रिप था तो दो दिन का हमारा पूरा हो गया है, पर लेकिन बहुत मज़ा आया, कहते हैं ना मूड रिफ्रेशिंग, ब्रिलियंट ट्रैकिंग एज वेल एज ब्रिलियंट एडवेंचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, bye bye and love you guys.